इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है ये. क्यों? चंपी ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मसाज के लिए बनाया गया. आज ये प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं बात करने वाली हूँ, जो आज तक मैंने अपने 5 साल के करियर में बात नहीं किया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको एक डिफरेंट तरीके से बनाया गया. आयुर्वेद में मसाज को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है, आज से नहीं हजारों सालों से बोला जाता है, एक टाइम टेस्टेड चीज है. अगर आप अपनी बॉडी पे मसाज करते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आपकी बॉडी को मसाज की भी जरूरत होती है. आप जब मसाज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, खून अच्छे से बॉडी के हर एक भाग में पहुंचता है, आपके मसल्स जो होते हैं वो टोन अप हो जाते हैं, मसल्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी जो नसें होती है ना वो शांत हो जाती हैं, क्योंकि आपके नसों पर हम जब मसाज करते हैं, आपके जॉइंट्स का ल्यूब्रिकेशन इंक्रीज हो जाता है, आपका मेंटल अलर्टनेस, मतलब आप दिमाग से बहुत अलर्ट हो जाते हैं. और खास कर एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोडक्ट है वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप मसाज करते हैं आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स होता है वो आपके स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, आपकी स्किन को मुलायम करता है, स्मूथ करता है और उसमें ग्लो लेकर आता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, आपकी स्टैमिना को बढ़ाता है और रात में आपको अच्छी नींद आती है. बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपने देखा उनको हर दिन, दिन में दो दो बार, तीन तीन बार मसाज किया जाता है और बच्चे उसके बाद बड़ी अच्छी नींद सोते हैं. आप जब एक अच्छा मसाज लेते हैं ना तो आपको रात में बहुत अच्छी नींद आती है. इसीलिए बात करें ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है, और आज नहीं पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है कि जो आपका ये मसाज का मार्केट है या जो ये स्पा का मार्केट है, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जब आपकी बॉडी खुद को रिजुवनेट कर पाती है. आपने बड़े बड़े होटल्स में देखा होगा, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, हर जगह आपको मसाज के आपको पार्लर दिख जाएंगे जहां पे, क्योंकि एक बहुत ग्रोइंग मार्केट आज ये देखा जा रहा है. इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, ये एक चंपी ऑयल को एक परफेक्ट आप ऑलराउंडर ऑयल कह सकते हैं, जो आपकी बॉडी को ना रिजुवनेट तो करता ही है, आपकी बॉडी को क्लींज करने का, साफ करने का भी काम करता है. ये एक ऐसा तेल है जिसको आप हेड टू टो आप हर जगह यूज कर सकते हैं. लेकिन इस ऑयल के ऊपर कुछ खास बात है, क्या इस ऑयल को खास बनाता है, उसके ऊपर 4 से 5 भी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ. पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा. इसमें जो भी हर्ब डाले गए हैं ना, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें 10 ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, बाला, कुल्था, कंटकारी, मंजस्था, ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको, तिल का तेल, त्वाक, तेज पत्र, ऐसी बहुत सारी 10 ऐसी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई है. इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ जड़ी बूटियां पानी में घुलती हैं और कुछ जड़ी बूटियां ऑयल में घुलती हैं. तो इन जड़ी बूटियों को स्पेशली चूज किया गया है इस ऑयल के. मार्केट में जो ऑयल होते हैं उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां अलग अलग क्वांटिटी में डाला जाता है, उनका परफेक्ट एक डोज भी नहीं होता है, रिजल्ट भी गारंटी नहीं है कि आते हैं. ये जो प्रोडक्ट है इसमें सारी जड़ी बूटियों को चुनकर डाला गया है, तो केयरफुली चूजन हर्ब्स हैं इसमें. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें हमने तिल के तेल का ज्यादा यूज किया है. क्यों? तिल के तेल की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, मतलब अंदर जाने की जो क्षमता है, वो ज्यादा देखी जाती है. तो आप अगर हल्का सा गर्म करके इस ऑयल से मसाज करते हैं तो अंदर जाने की क्षमता ज्यादा होती है. और हम इस ऑयल में हमने और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, जड़ी बूटियां डाली है, तो सबकी खासियत को लेकर वो अंदर जाता है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलता है. तीसरा बेनिफिट, जो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, ये बाल, खाल, गाल आप बॉडी में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, मार्केट में आप जाते हैं, ये आपके बालों के लिए तेल है, ये आपके चेहरे के लिए तेल है और ये आपकी बॉडी के लिए तेल है. ये एक ऐसा ऑयल बनाया गया है जो आप कहीं पे भी बॉडी में यूज कर सकते हैं. तो अगर आप घर में लाते हैं तो किसी भी चीज में, आप मसाज में, हेयर ऑयल में, कैसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक USP जो आपको इस प्रोडक्ट का याद रखना है वो क्या है, इसको यूनिक तैल पाक विधि से बनाया गया है. माय डियर फ्रेंड, ये जो अभी आपको मैं प्रोसेस बताने जा रही हूं ना, मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में तैल पाक विधि नहीं मिलेगा, ये एक यूनिक प्रोसेस है. तो आज तैल पाक विधि को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. और आपको मैं एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ, जब आप आज इस ऑयल की प्रोसेस को देखेंगे ना, ये कैसे बनता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस ऑयल को लेकर. क्या है ये तैल पाक विधि, क्या है ये, भेषज कल्पना पे बेस्ड है. भेषज कल्पना को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, भेषज का मतलब होता है मेडिसिन या औषधि, जिसको हम हिंदी में औषधि भी कहते हैं, और कल्पना का मतलब होता है प्रिपरेशन, मतलब किसी मेडिसिन को बनाने का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम भेषज कल्पना बोलते हैं. उसी में एक तैल पाक विधि, एक उस पर एक प्रोसेस बोला जाता है जो एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे उसको पकाया जाता है. इसमें हम 3 चीजों का यूज करते हैं. पहला, जड़ी बूटियों के पेस्ट का.
दूसरा डिकॉक्शन, डिकॉक्शन क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, और तीसरा जड़ी बूटियों के तेल का, ऑयल का। इसका पहला प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी जड़ी बूटियां हमने इसमें डाली हैं सबको पानी में बॉईल किया जाता है। आप देखते हैं जब आप किसी चीज को पानी में बॉईल करते हैं थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ देते हैं तो वो गाढ़ा होता जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। जब वो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको फिल्टर कर दिया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो हमें लिक्विड मिलता है वो होता है कॉथ, जिसको हम डिकॉक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारी पहली चीज तैयार हो गई, डिकॉक्शन। दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपने जड़ी बूटियों के हर्ब का पाउडर लेते हैं, उसको हम दूध के साथ मिक्स करते हैं। दूध के साथ मिक्स करने के बाद हमें एक पेस्ट मिल जाता है, इस पेस्ट को पोटली में कन्वर्ट किया जाता है, पोटली में बंद कर दिया जाता है। तो हमें पेस्ट मिल गया, हमें डिकॉक्शन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस पोटली को हम अपने डिकॉक्शन के साथ मिलाते हैं और गरम तेल में उसको कुक किया जाता है। तब तक कुक किया जाता है इन तीनों चीजों को, तेल को, डिकॉक्शन को जो हमने वो पानी निकाला था, और तीसरा उस पोटली जिसमें जड़ी बूटियों का पेस्ट है, इनको तब तक कुक किया जाता है जब तक वो पानी उसका पूरा रिमूव ना हो जाए, उसमें से पानी निकल ना जाए। और तब जो आपको मिलता है, तब मिलता है आपको आपका वेल, जो एलिमेंट्स वेलनेस का चंपी ऑयल है वो हमें तब मिलता है जिसमें सारी जड़ी बूटियों के इंग्रेडिएंट्स की जो गुडनेस है वो हमें मिलती है। और मॉडर्न जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें आपको ये सारी चीजें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनोवेटिव तरीका है जो एलिमेंट्स वेलनेस हमारे लिए लेकर आया है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ऐसा फॉर्मूला प्रोसेस आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आपकी मसल्स को स्ट्रांग रखता है, बाल झड़ रहे, हेयर फॉल हो रहा है, इसको लगाइए आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। आपके जो ब्लड फ्लो है उसको अच्छा रखता है, तो अगर मांसपेशियों में स्टिफनेस है, मांसपेशियां बहुत कड़ी हो गई उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है। बालों में डैंड्रफ है, इससे ऑयल लगाइए और उसके बाद आप अपना शैम्पू कर सकते हैं, तो अपना जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है बालों से डैंड्रफ खत्म कर देता है, एंटी ऑक्सीडेंट एक्शन है, इन्फेक्शन से लड़ता है। और आपके स्किन में जब आप उसको रेगुलर आदत बनाइए, हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप इसको अपनी बॉडी से मसाज करते हैं ना, आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा, आपकी स्किन पे एक चमक रहेगी, और इन्फेक्शन वगैरह जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उससे बहुत हद तक आपको ये दूर रखता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी डाली गई है। तो इसको लगाना कैसे, हल्का सा गर्म करना है बॉडी पे, आप कहीं पे भी, सिर पे, फेस पे, कहीं पे भी आप उससे मसाज कर लीजिए। कहीं पे दर्द है हल्के आप उसको थोड़ा सा प्रेशर डालकर थोड़ा उस एरिया पे मसाज कर लीजिए। लगाने के 30 से 60 मिनट के बाद नहा लेना है। साबुन का इस्तेमाल हो सके तो मत करिए। किसको देना है, जितने भी लोग मार्केट में आपको दो पैर, दो हाथ और दो आंखों वाले दिखते हैं ना, आप सबको दे सकते हैं, मतलब आप सबको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। 3 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं ना, सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 5,000 करोड़ से भी बड़ा टर्नओवर इसका देखा जा रहा है, और हर साल इसका 20% से ज्यादा ग्रोथ देखा जा रहा है। आज इंडिया में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा इंडियन को इसकी जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों को आज रिज्यूविनेशन की जरूरत है। बहुत सारे लोग मसाज या पार्लर सेंटर नहीं जा पाते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक एक मसाज का 2,000-2,500 वहां पे करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा है प्रोडक्ट जिसको आप घर बैठे अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं। क्या करना है, नहीं किस चीज पे ध्यान देना है, लगाने के बाद एसी में नहीं बैठना है, ज्यादा साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप हल्की सी लेयर अगर इसकी आपकी स्किन पे रहती है तो अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर कहीं बाहर जाना है तो आप हल्के साबुन, ऑन एंड ऑन के कोई भी सोप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली एक्सटर्नल यूज के लिए है, नाक कान में ये तेल नहीं डालना है। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, आंखों से दूर रखना है। लगाने के 30 से 60 मिनट के बाद आप नहा लीजिए। स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, स्किन सोराइसिस का इन्फेक्शन है स्किन पे, आपने देखा होगा स्किन सोराइसिस में बहुत गंदा इन्फेक्शन हो जाता है। एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, बाल जो होते हैं वो निकलने लगते हैं, पैचेस बनने लगते हैं। और अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन वाली प्रॉब्लम है, जेनेटिक है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। उन सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये बोलकर नहीं देना है कि ये ले लो और उसको क्योर कर देगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या एलोपेसिया आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट किसी को क्लेम मत करिए कि ये इसको क्योर कर देगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, तैल पाक विधि से बनाया गया है, तिल के तेल का इस्तेमाल किया गया है, बाल, खाल, गाल, बॉडी में कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये था हमारा चंपी ऑयल, इस चंपी में है बड़े बड़े गुण। तो अभी इसमें नोवेल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हर एक प्रोडक्ट में हमने नोवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल किया, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आयुष के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। आज हम ये ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करेंगे, और जो भी आज आपको